हमारा यहाँ हीलिंग सेशन समाप्त हुआ, आगे हम चलेंगे हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। तत्वा सूत्र का द्वितीय अध्याय जो हमारा ही अध्याय है, जैसा लग रहा है जैसे LKG में पहुंच गए हो। बहुत ही सरल और सिंपल, लोगों को तत्वा सूत्र कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत ही सरल तत्वा सूत्र आज हम जो लेने जा रहे हैं, बहुत सरल। द्वितीय अध्याय का हमारा 21 तक हो गया था, आज 22 नंबर का सूत्र आज हम लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोले उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वा सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय जय जय। शेयर कर देती हूँ आपके सामने श्लोक। कल हमने जो लिया था 21 नंबर का श्लोक लिया था, श्रुत मनि इंद्रियस्य। श्रुत ज्ञान जो है, श्रुत जो है, शुद्ध ज्ञान गोचर पदार्थ है, अथवा शुद्ध ज्ञान का विषय वो पदार्थ मन का विषय है। इस प्रकार से कल हमने लिया था कि जो शुद्ध हम ग्रहण करते हैं उसको मन में विचारों के माध्यम से जो करते हैं वो मति ज्ञान होता है। कल हमने ऐसा देखा था, द्रव मन और भाव मन दो चीज हमने देखी थी। नाना प्रकार के विकार विकल्प जाल को मन कहते हैं, ये भी चीज हमने कल देखी थी। मन किसे कहते हैं? नाना प्रकार के विकल्प जाल को मन कहते हैं, और गुण दोष का विचार व स्मरण आदि करना यह मन का कार्य है। गुण दोष आदि का करना, गुण दोष आदि का विचार करना यह मन का कार्य है। मन को अनिंद्रिय शब्द से भी नवाजा जाता है। मन जो है अनिंद्रिय या अंतःकरण भी इसे कहते हैं। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं या अंतःकरण भी कहते हैं। जो द्रव मन है वो हमारे हृदय में 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार की कुदगल रचना रूप द्रव्य मन होता है। द्रव्य मन कैसा होता है? हृदय में हमारे 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार की एक कुदगल संरचना रूप द्रव्य मन होता है। और भाव मन क्या होता है? जिसके द्वारा स्मृति शिक्षा आदि का ग्रहण होता है वो भाव मन होता है। ये सारी चीजें कल हमने देखे थे, श्रुतम मनि इंद्रियस्य। अब आगे जो चीज हम लेने वाले हैं वो इंद्रियों के स्वामी। मन का विषय ले लिए, अब इंद्रियों के स्वामी जो 5 इंद्रिय हमने देखे थे, स्पर्शन रसना घ्रहण चक्षु और कर्म, वनस्पत्यंता नामेकम्। अब इंद्रियों के स्वामी की चर्चा है, 22 नंबर सूत्र पढ़ेंगे सब लोग। वनस्पत्यंता नामेकम्, वनस्पत्यंता नामेकम्। वनस्पति प्लस अंतानाम, इसका संधि विग्रह क्या हो गया? वनस्पति प्लस अंतानाम। वनस्पति काय जिसके अंत है, ऐसे जीव को एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। इसमें वनस्पत्यंता नाम एकम कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि जो वनस्पति काय है वो अंत में है, तो उसके पहले जो है 5 पूरे स्थावर की चर्चा इसमें आ गई। उसके पहले के भी पूरे स्वामी इसमें आ गए। वनस्पति काय अंत में जिनके ऐसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। वनस्पति में ही 5ों स्थावर की समावेश कर दी गई है, ये जो सूत्र है इसमें। तो इसमें बता रहा है कि जो वनस्पत्यंता नामेकम् यानी जो वनस्पति है, हमने पहले पृथ्वी जल अग्नि को 4 प्रकार से घटाया था, काय कायिक जीव और साधारण। इस प्रकार से हमने पहले
हमने घटाया था कि वो जीव कब होते हैं, जीव उसमें कब आता है, जीव जो आने वाला रहता है वो जल जीव जब ग्रहण कर लेता है तो वो जल कायिक बन जाता है, इस प्रकार से हमने पहले आपको समझाया था। वही बात आज हम आपको बता रहे हैं, वनस्पति काय है अंत में जिनके, ऐसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये चार जो है वनस्पति में समावेश हो गया। और वनस्पति कायिक जीवों के एक स्पर्शन इंद्री होती है, इनकी एक एक इंद्री होती है, क्यों? क्योंकि उनके स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का ही क्षयोक्षम होता है, उनका उतना ही क्षयोक्षम है, इसके एक स्पर्शन इंद्री होता है, इसलिए इनका एक स्पर्शन इंद्री होता है। पृथ्वी आदि में जीव है, यह मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि ये जीव है? हम लोग तो समझते ही नहीं ना जल को जीव, पृथ्वी को, अग्नि को, वायु को, तो जीव हम समझते ही नहीं है। तो भाई इसमें जीव है ये हम कैसे जानेंगे? थोड़ी सी चर्चा इससे हटके मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए। पृथ्वी आदि में जीव है यह कैसे जाना जाता है, कैसे जान सकते हैं? पृथ्वी में वृद्धि होती है, पृथ्वी में वृद्धि होती है, और जल अग्नि वायु में क्रिया होती है, जल अग्नि और वायु इनमें क्रियाएं होती है, और अग्नि को ढक देने पर वो बुझ जाती है। ये बताइए किसी भी चीज का बुझ जाना इतना आसान है? हम अग्नि को कभी भी ढक देते हैं तो वो बुझ जाती है। और वनस्पति में वृद्धि संकोच विकोच देखा जाता है, वनस्पति में वृद्धि संकोच विकोच भी देखा जाता है, और यह सब बातें जड़ में संभव नहीं है, ये सारी बातें पृथ्वी आदि में संभव है, क्योंकि वो इनमें है इसलिए वो जीव है, ये जीव में ही संभव है, और ये सब पृथ्वी में होता है। हमने पत्थर को भी देखा है बढ़ते हुए, पत्थर को हम बढ़ते हुए देखते हैं ना, पृथ्वी को, पृथ्वी में पत्थर सब आ गए तो वो बढ़ते हुए हम देखते हैं ना, छोटा फिर बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा, पानी में पत्थर बढ़ता है, पृथ्वी भी बढ़ती है, तो इसलिए हम इसे समझते हैं कि ये जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक और साधारण वनस्पति जीवों की अवघावना, इनकी अवघावना कितनी रहती है? घनाकुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण होती है, और प्रत्येक वनस्पति की अंगुल के असंख्यातवे भाग से लेकर 1000 योजन तक अवघावना होती है। 1000 योजन की अवघावना स्वयं भूरमण समुद्र में कमल की है। जैसे जैसे अवघावना बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंद्रिय भी बढ़ती जाती है। अंगुल के असागर, जो हमारा अंगुल है, अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर 1000 योजन तक अवघावना होती है। तो इस प्रकार से वनस्पति अनुक्रम हमने ये वाला सूत्र को 22 नंबर को समझा, और अब इंद्रियों के स्वामी में कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, पढ़ लेंगे समझो, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि, नामे कैक वृद्धानि, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादि नामेक, नामे कैक वृद्धानि। अर्थ समझेंगे के कृमि प्लस पिपीलिका प्लस भ्रमर प्लस मनुष्य प्लस आदि नाम, कृमि, चीटी, भौरा और मनुष्य आदि के एक एक प्लस एक प्लस एक वृद्धानि, एक एक इंद्रिय अधिक अधिक होती है। कृमि, फिर चीटी, फिर भौरा, फिर मनुष्य, इनके एक एक इंद्रिय बढ़ते 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 चली जाती है, अवघावना भी बढ़ते चली जाती है और इनकी इंद्रिया भी बढ़ते चली जाती है। जैसे कृमि, कृमि यानी क्या होता है? कृमि यानी लट, लट जो होती है ना इलिया, कृमि यानी इलिया जो गेहूं चावल में होती है, वो कहते हैं ना अपन की भाई जो ज्यादा अनाज खाएगा तो वो अनाज का कीड़ा बन जाएगा, तो वो चींटी आदि बन जाते हैं, लटे, कृमि यानी लट, आदि, कृमि आदि,
पिपीलिका, पिपीलिका पिपीलिका यानी चींटी, पिपीलिका यानी चींटी। और उसके बाद भ्रमर, भ्रमर यानी भोरा, भ्रमर रूमी पिपीलिका भ्रमर। और मनुष्य आदि भोरा और मनुष्य आदि यानी मनुष्य आदि यानी सब में आदि लग जाएगा। यहाँ कृमि में भी आदि लगेगा क्योंकि यहाँ आदि शब्द आया है ना, मनुष्यादि, मनुष्यादि आ गया ना, संधि विग्रह करेंगे मनुष्य प्लस आदि। तो लट आदि, चीटी आदि, भ्रमर आदि, भौरा आदि, मनुष्य आदि, सब में आदि लगा दो। एक एक इंद्रिया, एक एक इंद्रिया अधिक होती जाती है। पहला कैसा है, जैसे कृमि है, कृमि में लट, लट जो है ये शंख जोंक आदि के एक इंद्रिय इसमें बढ़ गई। पहले हमने वनस्पति का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, में एक एक इंद्रिय देखे, अब कृमि में एक इंद्रिय बढ़ गई। कौन सी बढ़ गई, चाटने की, कौन सी चाटने की क्षमता है इसमें, यानी रसना इंद्रिय, कृमि में रसना इंद्रिय बढ़ गई। लट, लट लट जो रहती चीटी वो क्या करती है, थोड़ी उसमें चाटने की शक्ति रहती है। तो स्पर्शन और रसना दो इंद्री हो गई। अब एक इंद्री और बढ़ेंगी चींटी में, चिंट में एक चींटी में कौन सी, चींटी, खटमल, ये सब जो है ये इसमें एक एक इंद्री कौन सी बढ़ गई, तीन इंद्री हो गई है। पहली हमने देखे एक इंद्री, दूसरा दो इंद्री, चींटी आदि और पिपीलिका, पिपीलिका में जो चींटी ईटी आ गई ये सब तीन इंद्री। कौन सी इंद्री बढ़ गई यहाँ, घ्राण इंद्री, क्योंकि चींटी को शक्कर की खुशबू आती है और वो वहां जाके चिपक जाती है, घ्राण इंद्री बढ़ गई, तीन इंद्रिया हो गई। अब एक इंद्री और बढ़ेंगी, चार हो जाएंगी, भौरा, भौरा की एक इंद्री कौन सी बढ़ गई, भोर, भ्रमर, भ्रमर में सब आ गया, भोरा, मक्खी, डांस, मच्छर, सब आ गए, डांस, मच्छर आदि। तो इनकी स्पर्शन, रचना, घ्राण, अब चक्षु, ये चार इंद्री हो गई इनकी, चक्षु इंद्री यहाँ पर बढ़ गई। क्रम से एक एक इंद्री सबकी बढ़ती जा रही है। अब मनुष्य, मनुष्य पशु आदि स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु के अलावा एक कर्ण इंद्री भी इनमें समावेश हो गई, पांच इंद्री ये हो गई, स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु और कर्ण, एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है, एक एक इंद्री बढ़ती चली जाती है। इंद्रिय की अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर 12 योजन तक की अवघाना होती है। 12 योजन की अवघाना वाला शंख अंतिम समुद्र में होता है। और तीन इंद्रिय की उत्कृष्ट अवघाना में तीन कोश का बिच्छू अंतिम दीप में पाया जाता है। और चार इंद्रिय की एक योजन का भ्रमर अंतिम दीप में पाया जाता है। चार इंद्रिय योजन का एक भ्रमर और पांच इंद्री में महामत्स्य जो है उसका 1000 योजन लंबा रहता है, 500 योजन चौड़ा रहता है और 250 योजन वो मोटा होता है। ये अंतिम समुद्र में ये चीजें पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो देखा वो दो चीज हमने देखी, वनस्पति का देखे एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, और अब इसमें समनस का लक्षणम और आगे भी है इसका एक, ये देखिए हमने ये देखा इसके, ये देख लिया हमने एक इंद्री में स्पर्शन बढ़ गई, दो इंद्री में स्पर्शन और रचना हो गया, तीन इंद्री में स्पर्शन रचना और घ्राण हो गया, चार इंद्री में स्पर्शन रचना घ्राण और चक्षु हो गया, पांच इंद्री में स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण, ये हो गए। ये आपने इंद्रियों को समझ लिया। अब आगे थोड़ा सा उछलते, संगी किसे कहते हैं, संगी जो होते हैं, संगी यानी मन वाले, असंगी यानी बिना मन के, पांच इंद्री मन वाले असंगी हो गए, पांच इंद्री मन वाले संगी हो गए, बिना मन वाले असंगी हो गए, सॉरी, पांच इंद्री बिना मन वाले असंगी होते हैं और पांच इंद्री मन वाले संगी होते हैं, ये ध्यान में रख लो। संगी किसे कहते हैं, जो मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, हम लोग के पास मन है, हम संगी हो गए, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। और मन, भाव मन और द्रव्य मन, ये हमने अभी पढ़ाया था। भाव मन जो है हित अहित का विचार, शिक्षा, उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान
विशेष विशेष हित अहित का विचार करने वाले, शिक्षा आदि उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति जिसमें होती है, वो जो होता है वो भावमन होता है ना। हाँ, देखिए संगी किसे कहते हैं, 24 नंबर का सूत्र हम पढ़ रहे हैं, संगीना समनस्का, संगीना समनस्का, 24 नंबर का सूत्र पढ़ लेंगे। आज हमारे 22, 23, 24 तीन होंगे। संगीना समनस्का, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं, संगीना समनस्का। मन कौन कितने हो गए, दो, भावमन द्रव्यमन। भावमन किसे कहते हैं, हित अहित का विचार, शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सहित ज्ञान विशेष को भावमन कहते हैं। और द्रव्यमन किसे कहते हैं, हृदय स्थान में 7 पंखुड़ियों वाले कमल के आकार समान पुद्गल पिंड को द्रव्यमन कहते हैं। यह हमने शुरू में भी बताया था। संगीत का अर्थ है जहाँ हित अहित की परीक्षा तथा गुण दोष का विचार स्मरण आदि करने की संज्ञा, वो क्वालिटी, संज्ञा आने वो क्वालिटी जिसमें है। संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संज्ञा आने नाम को भी कहते हैं, किसी को नाम को संज्ञा दे दो, इस अर्थ से भी सभी नाम नाम वाले संगीत संज्ञा कहलाएंगे। संज्ञा ज्ञान को भी कहते हैं, संगीत शब्द जो है 2-3 जगह उपयोग होते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं। ज्ञान सभी एकेंद्रिय में पाया जाता है, तथा वे भी सभी संज्ञा कहे जाएंगे, उसको भी संज्ञा कह देंगे। आहार भय मैथुन परिग्रह की इच्छा को भी संज्ञा कहते हैं, जिसको आहार भय मैथुन परिग्रह की इच्छा रखता है उसको भी संज्ञा कहते हैं। यह सब जीवों में पाई जाती है, संज्ञा सब जीवों में पाई जाती है, आहार मैथुन भय ये सब सब, क्योंकि भय रहता ही है ना। जब जैसे ही आप पेड़ को काटने जाओगे ना, पेड़ चिल्लाता है, ची 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 आवाज निकलती है, तो ये सब चीजें जो है ये संज्ञा कहलाती है। अलग अलग अर्थ संज्ञा के हो जाते हैं। सभी संगी हो जाएंगे, जो भी है मैथुन परिग्रह की इच्छा को संज्ञा कहते हैं, और यह सभी जीवों में पाई जाती है, इसलिए सब संगी हो जाएंगे। अतः संज्ञा का अर्थ यहाँ मन से है, इसलिए जिसको मन है उसी को संगी कहना उचित है। दूसरे, गर्भ अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, सुप्त अवस्था में हित अहित का विचार नहीं होता, अतः उस अवस्था में संगी जीव या असंगी कहे जाएंगे, किंतु मन को होने से उस समय भी वे संगी है। पेट में भी कोई है आपके, भ्रूण में, वो भी संगी है, उसे मन है, जो वो संगी कहलाएंगे या असंगी, तो वो संगी कहलाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी मन है। सूत्र में संगी समनस्का दोनों पदों को रखना ही उचित है। संगी समनस्का दोनों भी, संगीनी समनस्का यानी संगी जो है वो मन के साथ है, सूत्र में दोनों चीज को रखा है, संगीनी समनस्का। समनस्का मन सहित जीवों को संगीनी यानी संगी कहते हैं। तो जो मूर्छित अवस्था में, सुप्त अवस्था में हित अहित का विचार नहीं होता, उस अवस्था में भी संगी जीव या असंगी कहे जाएंगे, किंतु मन में होने से उस समय भी वे संगी होंगे, उनको असंगी हम नहीं बोल सकते, मन उनका है। संगी समनस का दोनों पदों को रखना यहाँ पर उचित था, क्योंकि संगी भी है और मन सहित भी है। जिस समय जीव पूर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए जाता है, उस समय विग्रह गति में उनके मन तो रहता नहीं है, फिर भी वह कैसे गमन करते हैं, इस शंका का समाधान के लिए आगे की गति, आगे का सूत्र 5वां हम पढ़ेंगे। जब जीव एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करता है, उसके बीच में जो गैप रहता है उसको विग्रह गति बोलते हैं। अब उस समय मन रहता है या नहीं रहता है, ये जो चीजें है ये हम कल के सूत्र में देखेंगे। आज हमारे 24 हो गए, 5 दिन स्वाध्याय नहीं होगा, 3 तारीख से हम स्वाध्याय करेंगे। कल हमारी रितु जी क्लास लेंगी और देखते हैं, और बाकी दिन जैसे भी होगा, 1 और 2 को शालू जी बहुत अच्छा सेशन लेंगी जयपुर वाली, 29-30 को भी और हमारे पास हीलर्स है वो लेंगे हम लोग, और सुबह से हम प्रसारण भी यहाँ के प्रोग्राम करने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़े सूत्र देख लिए, 22, 23, 24। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग दिनवानी माता की जय, उमा स्वामी महाराज की जय। देखिए हमने ये इसलिए आज तीन श्लोक ले लिए, ये हमने बहुत बार समझाया है ये चीजें आपको, हमारी बहुत चर्चा हुई है स्थावर पे और ट्रस्ट पे, इसलिए आज हमने दोनों तीनों चीज एक साथ ले लिए। आप लोगों को बहुत बार हमने ये चीज ध्यान के माध्यम से भी समझाया, 84 लाख योनि का जो यात्रा करवाया उसमें भी ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई है, इसलिए आज हमने थोड़ा शॉर्ट में लेके उसको फिनिश किया। 25 नंबर के श्लोक से हम 5 तारीख 3 तारीख से प्रारंभ करेंगे। जो समय शिखर जी जाने वाले यात्रीगण है उनको बहुत 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 बधाइयां। सब लोग आज सुबह दोपहर शाम रात तक सब निकलने वाले हैं, कल शाम तक सब पहुंचने वाले हैं, कल परसों सुबह तक भी सब पहुंचने वाले हैं, इसलिए सभी लोग का समय शिखर जी में बहुत बहुत स्वागत और सभी को वेलकम हम करते हैं। वहां पर आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था है, किसी को कोई परेशान होने की वहां जरूरत नहीं है, सिर्फ पहुंचना आपका काम है। अब भी समय है, तत्काल में टिकट बना के आप पहुंच सकते हो, चाहे तो 29 तारीख के कॉन्फ्रेंस IVS कॉन्फ्रेंस में सुबह 6 से 9 पूजा विधान होगी, 9 से 10 ब्रेकफास्ट, 10 से 10:30 आपकी हॉल में एंट्री जरूरी है, 10:30 बजे हॉल का गेट बंद हो जाएगा, 10 से 10:30 आपको एक विशेष एंट्री मिलेंगी, वो आप एंट्री कर लीजिए और 10:30 बजे ठीक दीप प्रज्वलन के साथ हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, 2 शाम को 4:30 तक चलेंगे, जिसमें बीच में आपके लिए लंच की व्यवस्था की गई है, 1 से 2 में आपको वहीं पे लंच करके 2 बजे फिर ड्रेस सेशन हमारा प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आपको जो ड्रेस लगते वो पहनिए, फ्री कर दिए, देना तो हमें एक जैसी ड्रेस था, समय अभाव है तो वो ड्रेस हमारी नहीं पहुंच पा रही, एक ड्रेस हमने शाम के लिए सबके लिए एक देना की सोची है तो वो शाम को सब लोग पहन लेंगे। जेंट्स लोगों का भी आप कल आया था शाम के मीटिंग में, तो हम लोग ने जेंट्स लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्था वहां कर रहा है कि उन्हें पैजामा कुर्ता दिया जाए, तो जेंट्स लोगों को हम पैजामा कुर्ता भी दे देंगे। और ये चीजें हो गई शाम की। परसों सुबह 30 तारीख को आपको आचार्य विश्व सागर जी को लेने 5:30 बजे 13 पंथ कोठी जाना है, बड़े ही गाजे बाजे जुलूस के साथ हम आचार्य विश्व सागर महाराज जी को लेके आएंगे। उनको लेके आने के बाद वो पूरी उनके पाद प्रक्षालन पूजा शांति धारा जो भी आशीर्वाद स्वरूप हमें देने वाले हैं हम ग्रहण करेंगे, फिर उन्हें छोड़ने जाएंगे, उनकी आहारचर्या करवाएंगे, उसके बाद हम सारे दिन नीचे के मंदिरों के पूरे दर्शन आराम से हम लोग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हो सके तो सब लोग अच्छे एक साथ एक साड़ी सुबह देने वाले हैं व्हाइट कलर की, उसी को पहन के सारे दिन दर्शन करना है, ताकि कहीं भी किसी भी मंदिर में कोई IVS के लोग क्रॉस होते हैं तो वो साड़ी के माध्यम से और बैच आपको दिए जाएंगे, बैच के माध्यम से एक दूसरे को पहचान ले, वहां जय जितेंद्र कर ले। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग जाने पहचाने नहीं रहेंगे, नए रहेंगे, इसलिए एक से साड़ी में आप लोग नीचे की वंदना करिए, एक दूसरे को आप पहचान लोगे, ठीक है। पर फिर रात में हमारे ललिता जी और सिद्धार्थन का, सिद्धार्थन को 4 वर्ष हो जाएंगे, मेरा और सिद्धार्थन का एक ही कार्यकाल है भक्तांबर का, साथ साथ ही जुड़े हैं हम। सिद्धार्थन जब बना बन रहा था, फाउंडेशन आई थी, उसी समय ललिता जी मुझे विराग सागर महाराज जी के पास मिल गए थे, जब हम पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, नहीं पता था कि भक्तांबर केंद्र बनने वाला है, जब हम विराग सागर महाराज जी के प्रमाण सागर महाराज जी के पास मिले थे, और उसी समय मेरी भक्तांबर में भी मैंने एंट्री की थी, बहुत दिन से लोग बोल रहे थे लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, तो 4 साल मुझे भी हो रहे हैं और 4 साल सिद्धार्थन को कल हो जाएंगे बने। और ललिता जी का भी जन्मदिन शाम को ठीक 7 बजे, ललिता जी का जन्मदिन उसके पहले 6 बजे सभी को शंका समाधान के लिए आचार्य प्रमाण सागर मुनिराज हमारे प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास पहुंचना है हमें, और प्रमाण सागर महाराज जी के पास पहुंच के शंका समाधान की व्यवस्था वहां करी हुई है, उसमें हम खड़े रहेंगे सब लोग एक साथ एक जैसी साड़ी में, जब तक व्हाइट साड़ी नहीं उतारना है। शाम को 7 बजे आप मस्ती में रहेंगे, जो पहनना है आपको जो करना है, हमें ललिता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। उसके बाद 10 बजे 11 बजे तक करके 2 घंटे आराम करना है, फिर ठीक 1:30 या 2 बजे हम पहाड़ के लिए निकल जाएंगे, 1 तारीख को हम पहाड़ चढ़ लेंगे, उसके बाद शाम को सब लोग अपने अपने साधन से रवाना हो जाइए, कोई 1 को हो रहा है कोई 2 को हो रहा है, इस प्रकार की हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। पहाड़ पे भी आप अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए, हमारी बहुत इच्छा थी कि हर प्रोग्राम में सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, पहाड़ की वंदना में भी वहां भी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, 2 प्रोग्राम हमने पॉसिबल करे हैं, एक रात का
29 का, एक 30 का सुबह का। हमें दिन भर कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक ड्रेस सबको देना था, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अभी भी, यदि वो होता है तो हम कर देंगे। बोले द्वादशांग जिनवानी माता की जय, जय जय हे अभियंत प्रभु, हम लोग प्रतिक्रमण कर लेंगे, मुझसे मन वचन काया द्वारा किसी भी प्रकार की गलती हुई हो क्षमा करें, तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक सभी जीव हमें क्षमा करें, जाना अनजाने में हमने दुख पहुंचाया है, और जब भी हम इस संसार छोड़ के जाए तो हम बैठ के लेट के नहीं, बैठ के जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलग्न रूपी कलश धारण करके ही हम जाए। सभी लोग एक साथ बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय, जय जय। चलिए सेशन को एंड करेंगे हम।